Very good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to the channel. My name is Amit and you're watching Happily Unsettled. Finally, after a long wait, और मैं कहूँगा कि wait क्या है, जब से channel शुरू करा है तब से मैं अपने जो normal devices हैं, finally बहुत time बाद सोचने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, थोड़ा idea लगाने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा device है और एक ऐसा gadget है जो मेरे को I think मेरी videography के लिए suit करेगा, बहुत help करेगा. तो finally we have this new camera, as you guys can see, Insta 360 X3 latest launch जो है 360 degree camera में. अच्छा, ये खरीदने का reason और मेरे पास कौन-कौन से devices मैं use कर रहा हूँ अभी अपनी rides के लिए, अपनी videos बनाने के लिए, वो सब मैं आज तो आप लोगों को बताता हूँ. मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं था कैमरास को लेके जब मैंने अपनी जो वीडियोस शुरू करी थी, तो मेरा जो मेन कैमरा मैं कहूँगा और मेरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैमरा जो मेरा है वो है GoPro 9 Hero 9 और इसमें ये मीडिया मोड लगा रखा है फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस इन वॉइस रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट होता है, थोड़ा यूसेज अच्छा है इसका. उसके बाद जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसमें GoPro में क्या है कि यार वीडियोज़ अच्छी हैं, स्टिलनेस अच्छी है, बट थोड़ा सिनेमैटिक लुक बिल्कुल नहीं आ पाता इस GoPro में. मैंने अभी तक जितने भी डिवाइस, जितने भी कैमरास खरीदे हैं, मेरा एक हमेशा से मोटिव रहा है कि यार डिवाइस जो है छोटा रहना चाहिए, कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, ताकि ट्रैवलिंग में उसको उठाने में ले जाने में थोड़ा इजी रहे. क्योंकि क्या होता है यार, मोटो व्लॉगर हैं, बाइक में वैसे ही बहुत सारा सामान होता है और स्पेस बहुत कम होती है. वी आर वेरी कंस्ट्रेंड बाय द स्पेस व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ मोटर बाइक. तो इस वजह से मैंने ये खरीदा था आपका आईफोन 12 प्रो. आईफोन की क्वालिटी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छी है. मतलब डेली यूज़ के लिए भी अच्छा है, पॉकेट में रहता है आपके और इजी टू यूज़ है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है. तो फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने में मेरे ख्याल से GoPro की जो फाइल्स हैं 30 FPS में बहुत ईजीली ट्रांसफ़र हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द 60 FPS ऑफ आईफोन, क्योंकि इसमें 30 FPS में जो है स्टेबिलिटी इतनी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. लेकिन ये है कि आप इसको पहले फाइल ट्रांसफ़र करो 60 FPS में, उसके बाद आप इसको 30 FPS में एडिट कर लो. तो अब बात करते हैं इंस्टा 360 X3 की, इसका रीज़न क्या है लेने का. सो मोस्टली मेरी राइड सोलो राइड्स होती हैं और सोलो राइड्स में और सोलो ट्रैवलिंग में एक सबसे बड़ा चैलेंज, जो कि आप भी एक्सेप्ट करेंगे जब आप कभी सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, कि फ़ोटो खींचना और अपनी वीडियो बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो मोटो व्लॉगिंग में अगर आप इंस्टा 360 की आउटकम देखें तो मैजिकल है. एज अ सोलो राइडर आई फेल्ट कि यार ये एक ऐसा कैमरा है जो आई थिंक इट माइट चेंज अ लिटिल बिट ऑफ यू नो स्टोरी ऑफ माई ट्रैवल्स. अच्छा, कैमरा अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑब्वियसली यू गाइज हैव द डाउट कि यार मैं कैमरा कौन सा यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त रिकॉर्ड करने के लिए. तो मैं एक्चुअली सोनी का ZV-1 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, अपने कज़न से मांगा हुआ है. तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर गिविंग मी दिस कैमरा. आई गेस दिस कैमरा विल बी विद मी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आई गेस. चलो अनबॉक्स कर लें. Yes. Excited? Yes. Sure. Can I unbox? Yes. I. Vihan can unbox. You can unbox. I can unbox. We all will unbox. Let's do it. It's Insta 360 X3. Rehan, wow. Does it look nice to you? It looks good. Okay. Yashvi, does it look nice to you? Yeah. Wow. Alright, so that's the camera. Hello, Rehan. Yeah. Kar do Shri Ganesh. Pehle camera karunga. Haan, pehle camera kar dena. Dekho jara. Now the satisfying part. Let's see. No, this the most satisfying first part. First. Zip karke khol do. Oh, okay. That I was not aware of that. Chal. Ooh, it's so satisfying. Okay, Yashvi wanted to take the feel. Other side, beta. Okay, all right. How do you feel, Yashvi? Satisfying. Wow, that's a nice sound. Okay, cool. That's a big screen, Vihan, isn't it? Can you flip the camera? Oh, you can flip it. तो बच्चों ने सब कुछ खोल के एक तरफ कर दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ, एक इसमें आई है चार्जिंग वायर, ठीक है,
और एक इसमें आ गया इसका पाउच, ठीक है पाउच भी आ गया है, एक लेंस क्लीन करने के लिए लेंस क्लीनर कपड़ा, और इसकी जो स्टिक है मोटर बाइक में लगाने के लिए, और एक मैंने क्लैंप ले रखा है मोटर बाइक में इसको फिट करने के लिए। तो एक काम करते हैं, कैमरा खुल गया है, बस इसमें हमने मेमोरी कार्ड लगाना है, मेमोरी कार्ड लगा के इसको सेट करता हूँ मोटर बाइक में, और उसके बाद देखते हैं मोटर बाइकिंग इसमें मोटो व्लॉगिंग कैसे होती है। थोड़ा सा चैलेंज रहेगा जैसे कि मैंने कहा, बट सीख लेंगे यार हल्के हल्के, थोड़ी बहुत वीडियोज देख लेंगे यूट्यूब में और सीख लेंगे। तो अभी निकलते हैं टू द रोड, लेट्स गो। ओके गाइज, वंस अगेन मोटो व्लॉग सेट हो चुका है और हम क्लोज टू द नेचर आ गए हैं, और उसी से थोड़ी सी अच्छी अच्छी फीलिंग आने लगी है। तो सेटअप दिखा देता हूँ मैं पहले आपको, ये जो स्टिक मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है ना, इंस्टा 360 की, ये इसके क्लैंप हैं, दिखने में थोड़े नलके टाइप के हैं लेकिन दे आर वेरी स्टर्डी। तो इसके तीन पीसेज हैं, स्टिक तो अभी हटा दो, इसको आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ओके। और स्टर्डी है, बहुत हैवी है, इस वजह से मैंने लिया, बिकॉज़ यार इसको तुम कैमरे में फिट करोगे तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक वाले दिखा रहे थे वो जो शॉपकीपर था, और दो तीन जो थे वो मेरे सामने ही फ़िट करने में टूट गए थे। तो मैंने कहा यार जब वो अभी टूट रहे हैं तो बाद में क्या होगा, तो गिव मी समथिंग विच इज़ वेरी गुड। थोड़ा सा कॉस्टली था लेकिन मैंने तो थोड़ा नेगोशिएट कर लिया था यार। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो यार, हैंडल में लगा सकते हो, फ्रंट हाँ ये लेग गार्ड में लगा सकते हैं, और यहाँ भी लगा सकते हैं मेरे सैडल रेस्ट में। तो सबसे पहले इसको बेसिक जगह लगा के देखेंगे, क्योंकि यार मेरा भी पहली बार ही अटेम्प्ट है, तो जो ईजीएस्ट प्लेस है ना वहीं पे लगाते हैं इसको। ऑलराइट, और एंगल का 360 में आपको पता ही है कैमरा तो कहीं से भी कैप्चर कर लेता है, तो इट डजेंट रियली हैव टू हैव दैट फोकस ऑन यू और देयर, कहाँ का भी कहीं की भी वीडियो बनानी हो आप एंगल उसको बाद में एडिट कर सकते हो। तो कवर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका, वेरी हैंडी है क्योंकि इसका जो लेंस है ना एजेस बाहर आ रखे होते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़ 360 डिग्री, तो ये कहीं स्क्रैच ना लग जाए इस वजह से कवर इज़ वेरी यूज़फुल। तो बहुत सिंपल है लगाना इसको, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे इसको, और ये परफेक्टली ओके एंगल्ड। ऑलराइट कूल, अब इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इसकी जो वीडियो है ना, आई मीन इट इज़ 360 डिग्री चारों तरफ से कवर कर लेता है, बट जो इसके जो एजेस है ना यहाँ पर एक हल्का सा एक यू नो दैट ब्लरनेस की लाइन आती है। तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम इसको अपनी तरफ फेस करके रखें, अगर आप कहीं बहुत ऑड सा एंगल नहीं ले रहे हो तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू आर श्योर कि जो कैमरा है वो आपके फेस में प्रॉपर आएगा, वो जो लाइन आती है फेडेड लाइन वो नहीं आएगी। तो चलो राइड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहले एंगल का रिजल्ट। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया क्योंकि इसमें अभी इसका एंगल थोड़ा बेटर आ रहा है और ग्रिप भी ठीक आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि पहले शॉट में ही जो है ये कैमरा नीचे गिर जाए। तो जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये ठीक है कि नहीं, तब तक मैं इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट नहीं करूँगा, बट आज ही हम दो तीन एंगल ट्राई करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट हमको आते हैं। सो लेट्स गो। एंड आई नो कि अभी इस टाइम पे ये मुंह के सामने है, बिल्कुल आपकी जो मेरे GoPro की स्क्रीन है उसके सामने ये आ रहा है, बट थोड़ा हैंडी हो जाएगा, थोड़ा यूज टू हो जाऊंगा ना जब मैं, तो फिर इधर लगा दिया, इधर लगा लेंगे, फ्रंट में लगा लेंगे, ताकि जो है फ्रंट वाला जो व्यू है वो ख़राब ना हो। और वैसे भी ये कैमरा जो है इसको हमेशा तो लगाना नहीं होता है, जब जब आपको शॉट लेने होंगे तब तक आप लगा सकते हैं। सो लेट्स जस्ट Try this new camera and see how the results are in 3, 2, 1, boom! पहले दो शॉट लिए हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि कैमरा भी कुछ सामने था, बट एक चैलेंज मेरे को इसमें ये आ रहा है कि इसका जो ग्रिप है ना अंदर
ये ग्रिप थोड़ा देख रहे हो आप मूव कर रही है, तो आई थिंक इसको मुझे ना आई हैव टू डबल ग्रिप इट। तो आई थिंक एक रबड़ और अच्छे से इसके ऊपर स्टिक करूँगा तो अच्छी ग्रिप बन जाएगी। अब कोशिश करते हैं थोड़ा डिफरेंट एंगल लेने की, जो फ्रंट वाला जो इनलार्ज करके आता है वो देखते हैं कोशिश, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है जो मैंने दे रखा है, लुक एट दिस यार, स्टिक देखो तुम कितनी लंबी है। ऐसे राइड करना तो ईजी नहीं है, बट ये है कि हाँ कोई आइसोलेटेड जगह में अगर आपको ब्यूटीफुल से शॉट लेने तो आई थिंक देन यू कैन डू इट। बट मेरे को तो बुल जैसा फील हो रहा है राइड करते हुए, और बहुत शेक हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसके फाइनल शॉट्स कैसे आएंगे, बट आप देख लो जैसे भी आ रहे हैं ये रहे आपके सामने। अब एक रियर व्यू देने के लिए ना मैंने क्लैंप को यहाँ देखो शॉक एब्जॉर्बर्स में लगा दिया है, तो क्योंकि मुझे पीछे से जब मैं एंगल लूँगा तो आई एम नॉट श्योर कि भाई पीछे कैमरा है कि नहीं ना, तो इस वजह से मुझे श्योर होना ही है कि ये कहीं जाएगा नहीं। सो दिस इज़ वेरी स्टडी पॉइंट इसका, अभी तक जितने भी राउंड में मैं लगा रहा हूँ ना थोड़ा सा ये मूव कर रहा है मैंने देखा, और इसकी जो ग्रिप है ये भी बाहर आ गई देखो, तो मेरे को कुछ ना कुछ परमानेंट इंतज़ाम इसका करना पड़ेगा कि कैसे होगा, बट आई थिंक दिस एंगल looks a little promising, तो चलो try करते हैं। और ये shot अगर आ गया successful हो गया तो मैं बता रहा हूँ ये अभी तक का best shot होगा। So let's try this, start recording. ओह सुना नहीं उसने, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके लेट्स गो। ये देखो नेचर अगर खूबसूरत है तो डिस्ट्रक्टिव भी बहुत है। अभी भी जो है बरसातों के आफ्टर मैथ इफेक्ट्स अभी भी ख़त्म नहीं हो, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है एरिया, हालांकि रोड है बीच में, बट इमेजिन अगर आप इसके बीच में आ जाओ राइड करते हुए। सो आज का जो है प्रोग्राम था यहीं समाप्त कर देते हैं, अभी देखो कैसा लग रहा है ये। अब ऐसे राइड करके जाएंगे ना लोग कहेंगे क्या पागल आ रखा है, बट एनीवेज जो लास्ट के जो फ्यू शॉट्स है ना वो आपने जो देखे हैं आई एम श्योर कि उसमें हल्का सा मूवमेंट होगा, क्योंकि टेल सेक्शन में जो है वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है स्टिक, बट इसकी स्टेबिलिटी अभी मुझे खुद नहीं पता कितनी है, जैसे कि GoPro की तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आई एम श्योर कि इंस्टा X3 है, बहुत सारे इसमें फीचर्स एड ऑन करे हुए हैं, तो होपफुली ठीक ही होगा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज, अब घर जाके इसको एडिट करूँगा तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये जो क्लिप है वो देख ही ली होगी अभी तक, ये बीच में वीडियो में आ गई होंगी। मेरे को थोड़ा श्योर है कि यार क्लिपिंग्स बड़ी अच्छी आई होंगी, तो नेक्स्ट वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड होने वाली है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न आई बॉट दिस कैमरा, आई एम श्योर कि बहुत ही अमेजिंग टूर होने वाला है। मेरा एक स्पेशल फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में डिस्क्लोज करूँगा जब हम निकलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, इन्जॉय करते हैं इस खुले हुए आसमान और राइडिंग के सीजन को। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।